हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने कल पूरे साफ सफाई कर दी है, बहुत सारा क्लीनिंग कर दी है, पुराने पौधे हटा दिए हैं। दो दिन से काम चल रहा था और ये सब मैंने भर कर रख दिया है। और ये कलर देखिए और ये कलर देखिए, क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से ना कलर शेडेड में निकले हैं। देखिए, यहाँ से मैंने करेला के बेल सारे हटा दिए हैं और पैर भी खाली कर मैंने इसके अंदर पूरे क्लीन किए हुए पुराने पौधे वगैरह डाल कल रखी हूँ। मैं इनमें कुछ फ्रूट प्लांट वगैरह लगाऊंगी, इसी तरह से लगाऊंगी, हाइट से नीचे से जो है टूटा है तो रूट्स नीचे भी जाएगा। और ये बेटल लीफ, तो इतने सारा काम कर दिए थे मैंने कल, बहुत हटाकर पूरे साफ सफाई कर दिए थे। और उसके बाद दोपहर में क्या हुआ, ये दो तीन नीचे गिर गए, ये पूरे प्लांट्स को खराब कर दिया था। देखिए, वो भी गिर गया था, वो नहीं, और ये वाला और ये वाला। फिर आकर फिर मैंने क्लीन कर चली गई। अभी मॉर्निंग है, 6:15 हो रहा है टाइम, और गणेश चतुर्थी वगैरह में बहुत सारे फ्लावर जो है वो तोड़ लिए। देखिए, ये सभी अभी हटाना है। कल मैं सुबह से लगी थी तो ये खाली नहीं कर पाई, और एक मैं भूल गई, इसे तो मैं जानबूझ कर छोड़ा था। और जो तुरई की बेल है उधर, वो सूखी थी, उसको भी मुझे हटानी थी, वो मैं भूल गई। और अभी काम करूंगी यहाँ पर, मैं इसलिए आई हूँ, स्प्रे कर दूंगी मैं अभी थोड़ी सी, जो यहाँ पर देखिए कीड़े वगैरह लगे हैं पूरे यहाँ, इन कीड़ों को भगाने के लिए स्प्रे करूंगी मैं अभी। और ये दो पौधे हटाऊंगी, इन दो पॉट्स को भी मैं हटाऊंगी। और थोड़ी सी यहाँ पर चेंज, और क्रोसेंड्रा को दिखाऊंगी मैं आज, एक और नए पौधा क्रोसेंड्रा में, नए कलर में। बस इसे अच्छे से देखभाल कर लो, अपने गार्डन को हमेशा स्वस्थ रहे, इसीलिए बार बार मुझे क्लीनिंग करनी पड़ती है। अभी बारिश नहीं है 3-4 दिन से, इन सबको भी हटा रहे। देखिए, लवर्स काम हो गए हैं और कलियां आने लगी। तो अभी गेंदा बहुत अच्छे से खिल रहे हैं सारी जगह जगह पर। और एक मैं दिखा देती हूँ फ्रेंड्स, कद्दू बना है,
यहाँ पर देखिए कद्दू पता नहीं रहेंगे या झड़ जाएंगे। और ये लॉन्ग बीन्स बरबटी सीड बन चुके हैं ये। तो बस इनसे ही थोड़ी सी काम हो रही है और उसी के बीच थोड़ी सी सर्दी भी लग चुकी है मुझे। और ये सब प्लॉट वगैरह खाली करके रेडी कर दिए मैंने और सीड्स भी मैंने डाले थे, ये कॉस्मोस के हैं, कॉस्मोस के वाइट और पिंक होगा ये, और ये हॉलीवुड के। और भी मैंने जगह जगह पर डाली है लेकिन अभी तक स्प्राउटिंग स्टार्ट नहीं हुए किसी में। सब में मैंने डाल के रखी हूँ साइड में, यहीं पर मैंने डाल के रखी हूँ क्योंकि जो नए पौधे लगाती हूँ उसपे थोड़ी सी मैं कुछ भी टच नहीं करती हूँ, तो वहां पर उकर आते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो देखिए कहीं पर भी सीड्स अभी जर्मिनेट नहीं हुए हैं, वेट कर रही हूँ मैं, 4 दिन के ऊपर ही हो गया है। देखते हैं क्या होता है सब। और सब में इसमें कितने भी गेंदे के और कॉस्मोस के थे सभी मैंने हटा लिए। कल देखिए हटाने के बाद मैंने इसी तरह से बल्ब्स को ऊपर रख कर चली गई हूँ, नीचे से सारे मैंने हटा कर क्लीन कर दिए और उसी में भी मैंने क्लीन कर दिया था तो बहुत डिस्टर्ब हो गए ये सब। तो बस उसी तरह से मैंने रहने दिया है। इसका कटिंग भी लगाई थी मैं, वो भी चल गई। सारे जगह पर सिर्फ मैंने सीड्स ही डाला हुआ है, वेट कर रही हूँ सीड्स जर्मिनेट का। तो अभी मैं थोड़ी सी स्प्रे कर दूंगी और थोड़ी सी मैं पानी वगैरह दे दूंगी पौधों में। ये देसी वाली जिनिया है और मॉर्निंग ग्लोरी तो खत्म ही हो रहे हैं। बेल काफी बढ़ नहीं पाई इस बार क्योंकि अभी ऑफ सीजन है, इस सीजन में ज्यादा ग्रो नहीं होंगे। जैसे ही ठंड स्टार्ट हो जाएगी, ठंड बढ़ जाएगी तो ये पौधा जो है वो खराब होता है। तो सिंगल वाली देखिए बस यही काम चल रही थी आजकल मेरी गार्डन में। और ये सिंगल वाली वाइट है और ये सिंगल वाली ब्लू, देखिए जगह जगह पर पड़ रही है। और जो मैंने वीडियो में शेयर किया था आपको कटिंग्स और रनर्स लगाना, तो सारे के सारे चल गए हैं, एक भी खराब नहीं होता है। तो फिलहाल इस तरह से हो रही है। अभी थोड़ी बारिश होना भी बाकी है, मुझे बारिश ना बहुत पसंद है, पौधों में पानी वगैरह देना।
अच्छा रहता है कि बारिश आ जाए। ओके फ्रेंड्स बाय। और जो मेरे रिपोर्टिंग के बाद पौधा मेरा खराब हो गया, देखिए वैसे तो पत्ते सारे पीले पड़ रहे हैं कि बार बार रिपोर्टिंग करने पर ऐसा होता है। अगर कुछ ही दिन में ये स्टैंड हो गया तो अच्छा है। नहीं तो नहीं, देखते हैं। और हल्दी वगैरह के यहाँ पर रख दिए मैंने, कुछ खाली कर दिए यहाँ पर, यहाँ से बहुत सारा खाली कर दिए। तुराई मैंने बीज को छोड़ दिए थे लास्ट, इस पर ये भी पक चुकी है, सूख जाएगी। ओके फ्रेंड्स बाय। और ये देखिए लावास, फूल आ रही है। और ये भी हवा चल रही थी इतनी जोर जोर से, तो दो बार ये भी गिर गया था, तो फ्लावर थोड़ी सी झड़ गया है, गिर गया था। और ये नींबू पक चुके, बाय फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखिए ये वाला मैंने स्प्रे कर दिया है, और ये क्या है अभी दिखाती हूँ मैं आपको। इस बार मैंने एक केमिकल का स्प्रे किया है, तो देखिए इस तरह से ये रंग आया है। और एक ही बार ये आप स्प्रे कर देंगे तो इसका असर बहुत ही अच्छा रहता है। फर्स्ट टाइम मैंने भी स्प्रे किया है इसको। और जितने भी मिली बॉक्स मेरे येलो कलर के नहीं भाग रहे थे, इसी को भाग गए। पूरे गार्डन में स्प्रे करते करते मुझे अभी ख़त्म हो गया स्प्रे करना। पूरा मैंने एक बकेट भर कर बनाई थी मैंने फर्स्ट टाइम, और ये सेकंड टाइम मैंने बनाई है थोड़ी सी। और सभी में ये एक भी मैंने नहीं छोड़ा, सभी मैंने स्प्रे कर दिया है। और सभी जगह सारे मेरे स्प्रे करना भी हो चुका है, मैंने स्प्रे कर दिया है सभी को लगभग। तो फ्रेंड्स ये वाला मैंने स्प्रे किया है, देखिए इंसेक्टिसाइड, और ये भी इंसेक्टिसाइड है, दोनों में मिला है मैंने। और ये ग्रैनुलर में है, नहीं बचा एक भी। इस तरह से ये दाने में रहते हैं वाइट कलर के, नहीं दिख रहे। और ये पैकेट और एक बचा हुआ है मेरा, और ये 10 रुपए का एक है 5 ग्राम वाली, उन सभी कंपनी का आप ले सकते हैं। तो इस दोनों में दोनों को ये लिक्विड है, थोड़ी स्मेल रहती है ये, और दोनों मिलाकर मैंने पानी में ऐड कर दिया है और स्प्रे करना स्टार्ट कर दिया है सभी को मैंने। अभी हो गया है मेरा सारा स्प्रे करना, तो देख सकते हैं पानी पानी हो चुका है, पूरा पूरा नहला चुकी हूँ मैं, क्योंकि इसमें जो है ये ब्लैक कलर के ज़्यादा बन चुके थे, सारे के सारे भाग भी गए, कितने सारे थे देखिए यहाँ पर है, तो बस स्प्रे कर दिया तो सारे के सारे यहाँ पर है, देखिए बस स्प्रे कर देंगे तो भाग गए गए सब।
कौन सा भी कीड़ा हो, कौन सा भी इफेक्ट हो, कौन सा भी पत्ती मुड़ने वाली चीज हो कि पौधों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो ये स्प्रे बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। लास्ट टाइम भी मैंने स्प्रे कर दिया था, अच्छा रिजल्ट आया है इसका, तो सोच रही हूँ जगह जगह पर स्प्रे कर दूं। बस अभी हो चुका है तो चलिए चलते हैं, घंटा भर हो गया मुझे स्प्रे करते करते एक एक को, और अभी इतना बचा है मैं छोड़ दूंगी यहीं पर। तो बस सुबह का देखिए काम निपटा लिया है, सुबह का काम बस यही सब स्प्रे वगैरह करते करते ढल गई मेरी सुबह। ओके फ्रेंड्स, बाय।